सर एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में, रिलेशनशिप मैनेजर वर्क प्रोफाइल कि यार कितना टारगेट प्रेशर रहता है, ड्यूटी टाइम क्या होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और क्या एज ए रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप मैनेजर एक्चुअल में क्या है, ठीक है, क्या वर्क है, टारगेट प्रेशर, क्या फील्ड में भी जाना पड़ता है। बहुत सारी रिलेशनशिप मैनेजर को लेके क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा आरएम के बारे में, है ना। शॉर्ट फॉर्म में आरएम बोलते हैं, पूरा नाम होता है रिलेशनशिप मैनेजर। चलिए पूरा नाम ही लिखेंगे अपन लोग, रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, आरएम। अब सबसे पहले हम जानते हैं रिलेशनशिप मैनेजर की एलिजिबिलिटी, कि यार रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कैसे अप्लाई करें। देखिए, एलिजिबिलिटी है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। यूजी होना चाहिए 55% के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक अच्छा सा रिज्यूमे अपडेट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आता है तो आपको थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए इंटरव्यू पर्पस के लिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, और एक असेसमेंट टेस्ट होता है आपका, उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन में अगर आपके बैचलर कंप्लीट हो गया है, 55% है, यू आर एलिजिबल। अब आपको क्या करना है, ठीक है, एक रिज्यूम में थोड़ा इंग्लिश अच्छा आना चाहिए, ठीक है। और साथ में कोई अगर एक्स्ट्रा कोई कैरिकुलम एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट है, या कोई एक्स्ट्रा किसी कोर्स का सर्टिफिकेट है, जैसे किसी के पास डिजिटल मार्केटिंग का होता है, और किसी के पास आपका आजकल एफिलिएटेड मार्केटिंग, आजकल एक्सेल का कोर्स हो रहा है, सर बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के कोर्स हो रहे हैं, उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है देन इट विल बी बेस्ट फॉर यू। अब उसके आगे आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए, ये एलिजिबिलिटी हो गई, ठीक है। अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट के लिए आपको जाना होता है करियर पोर्टल पर। बैंक का अपना करियर पोर्टल है, वहां से आपको जाके अपनी आईडी बनानी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वहां पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आता है, या डायरेक्ट कहीं कहीं तो डायरेक्ट दिखाते हैं, वहां से जाके आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के 1 वीक में आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपका पीआई होगा, जिसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ये तो रहा रिलेशनशिप मैनेजर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट ऑल, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश वगैरह पे ध्यान देंगे, इजीली क्रैक कर लेंगे। अब जो मेन पॉइंट ऑफ स्टार्ट होते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। सैलरी वगैरह की भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप मैनेजर का टाइमिंग क्या होता है। टाइमिंग होता है आपका 9 AM टू 7 PM हम मान के चलते हैं, लेकिन एक बार 9 बजे आप निकल गए तो आपके ब्रांच मैनेजर डिसाइड करेंगे कि आपको इवनिंग में किस टाइम आना है। 7 बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, हो सकता है 8:30 भी, ठीक है, 9 भी बज सकते हैं। यस बिल्कुल, गर्ल्स या बॉयज दोनों के लिए भाई सब टाइमिंग, किसी के लिए कुछ अलग नहीं है। अब डिपेंड करता है ये चीज भी लोकेशन पे, मतलब अगर सिटी में है, मेट्रो सिटीज में, तो टाइमिंग 9 बजे तक भी रह सकती है, 8:30 भी रह सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो टाइमिंग होती है ना हमारे एम्प्लॉयज की, टाइमिंग ये होती है, ठीक है, एम्प्लॉय टाइमिंग है ये। कस्टमर टाइमिंग ब्रांच की हमारी अलग होती है, ठीक है। कस्टमर के लिए अपन का टाइमिंग होता है 9 AM टू 3:30 PM मान लीजिए, बस ये लास्ट। बट क्या उसके बाद एम्प्लॉयज का काम शुरू होता है, जिसमें कि आपका RTGS हो गया, चेक हो गए, कोई अदर एप्लीकेशन आई है उस पर काम करना, ठीक है, अदर जो भी पेंडिंग वर्क्स होते हैं। अब उसको इसको क्या बोलते हैं ना, इनको बोलते हैं ब्रांच ऑपरेशन। किसी किसी को कॉलिंग का काम दे दिया जाता है, किसी किसी को फील्ड पे भेज दिया जाता है, ये ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, आरएम जो होते हैं वो वर्क प्रोफाइल है, रिलेशनशिप मैनेजर इज वर्क प्रोफाइल भी ऑन लो वेरी वेल। अब स्टार्टिंग ग्रेड क्या होती है, देखिए ग्रेड, एक तो मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है। ग्रेड आपकी जो होती है वो होती है एसओ से स्टार्ट। एसओ सीनियर ऑफिसर होते हैं, सीनियर ऑफिसर, और फिर आपका AM1, AM2, DM1, DM2, ये सब स्टार्टिंग है, ये सब रिलेशनशिप मैनेजर वर्क प्रोफाइल पे। ये होते हैं असिस्टेंट मैनेजर,
ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का होता है, और ये एएम असिस्टेंट मैनेजर टू डिप्टी मैनेजर, ठीक है, डिप्टी मैनेजर, ये डिप्टी मैनेजर टू, ये होता है एक्चुअल में वर्क प्रोफाइल। अब इतना क्लियर है, नो डाउट? अब जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं वो पोस्टेड कहाँ होते हैं? पोस्टेड जो होते हैं, थर्ड पॉइंट है, पोस्टेड होते हैं आपकी ब्रांच में। ब्रांच में अगर आप जा रहे हो, आप आरएम कहलाओगे, रिलेशनशिप मैनेजर। ग्रेड मैंने आपको बताया सीनियर ऑफिसर बैचलर के बाद मिलती है, और असिस्टेंट मैनेजर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलती है, जैसे एमबीए, एमटेक वगैरह एट ऑल। डिप्टी मैनेजर भी बन मिलती है, और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रैंक पर कुछ डिसाइड होता है। ब्रांच में आप होते हैं, अब पोस्टेड होंगे ब्रांच में। लोकेशन आपको पैन इंडिया, इसका मतलब होता है इंडिया में कहीं भी आपको कोई सी भी ब्रांच दे सकते हैं। अब चौथा है, आपके आरए कौन होते हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, या तो आपके डीबीएम होंगे, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, या फिर आपके बीएम होंगे। सारा वर्क आपका ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। आपका अपना कुछ नहीं होता वहां पर डिसीजन, सारा वर्क आपके ब्रांच मैनेजर या फिर डीबीएम, डिप्टी ब्रांच मैनेजर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, सैलरी स्टार्टिंग क्या रह सकती है? सैलरी आपकी 18,000 के आसपास इन हैंड आ जाती है, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है इन हैंड, ठीक है। सीटीसी आपको ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में बैचलर के बाद 2.84 के समथिंग मिलता है। एक रफली आइडिया मैंने आपको बता दिया, इन हैंड 18 के आसपास आती है, ठीक है। ये आपका सैलरी हो गया। किस ग्रेड पे है सर? ये है एसओ ग्रेड, सीनियर ऑफिसर। एएम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। एएम की अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो इनका सैलरी जो होता है 21,000 के समथिंग इन हैंड होता है, ठीक है। ओवरऑल सीटीसी इनका 3.35 के अराउंड जाता है, ठीक है, ये चीज बस, ठीक है। अब ये तो हमारे पोस्ट की हो गई कि ब्रांच में होता है। अब आरएम का एक्चुअल में वर्क वगैरह मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। अब हम मेन जो है ना टॉपिक वो स्टार्ट कर रहे हैं, आरएम वर्क, ठीक है, इन ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑन आरएम वर्क ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। सबसे पहले आरएम को क्या फील्ड वर्क पे जाना होता है? यस, फील्ड वर्क रहता है, और 100% मैं बोलता हूँ आपका जब कस्टमर का टाइमिंग खत्म हो जाता है ब्रांच का 3:30 बजे, उसके बाद 3:30 के बाद आपको फील्ड पर जाना होता है, फील्ड पर आपको भेज देते हैं, तो फील्ड वर्क आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब किसी किसी को सुबह से ही फील्ड पर, वो ब्रांच मैनेजर डिसाइड करेंगे, बट हाँ फील्ड वर्क है रहेगा आप सब लोगों के लिए, गर्ल्स हो या बॉयज हो, ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कोई अलग नहीं है कॉर्पोरेट की नज़रों में। दूसरा, अब वर्क क्या होता है? वर्क आपको हो सकता है टेलर का दे दें, टेलर मीन्स कैशियर पे बिठा दें, ठीक है, कैशियर पे बिठा दें। थर्ड, आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने होते हैं, न्यू अकाउंट ओपन, ठीक है। फोर्थ, आपको एफडी तो पर डे रहता है टारगेट, एफडी पर डे, मार्कर मेरा आप खत्म हो चुका और नया मार्कर दे यूज करते हैं ये वाला। फोर्थ, ये हो गया आपका एफडी पर डे हो गया। आपको एक डीमैट का होता है, डीमैट अकाउंट ओपन कराने का टारगेट होता है, कितना? 3 से 4 मांगेंगे, एफडी पर डे 5 लाख प्लस मांगेंगे, किसी किसी से ज्यादा मांगते हैं, बट मैं इतना बता, न्यू अकाउंट कम से कम भैया 5 से 6 आपसे मांगे जाएंगे, एनसीए बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एमएफ भी कराना है, एमएफ में दो तरीके से होता है, एसआईपी और लमसम, ठीक है, दो तरीके से होता है। म्यूचुअल फंड कराना है। अब उसके बाद आपका आता है इंश्योरेंस भी आपको कराना होता है, ये देखो। और आठवां, आपको हो सकता है कि थोड़ा ब्रांच ऑपरेशंस का देने, हो सकता है आपको आरटीजीएस करने के लिए बोल दें कि क्लियर कर लो, चेक का बोल दें, और हो सकता है आपको कॉलिंग के लिए बोल दें, किसी कस्टमर का केवाईसी वगैरह पेंडिंग है, तो हो सकता है आपको सेल्स ऑन कॉलिंग, कॉल
कॉल पे ही आपको लीड दे दें और सेल्स के लिए बोल दें, ठीक है। और ये सब ब्रांच मैनेजर के हाथ में होता है। हो सकता है आपको लोन के लिए बोलें, लोन के लिए बोलेंगे, मतलब ये सब करना होता है लोन में, जैसे PL पर्सनल लोन, होम लोन और आपका GL गोल्ड लोन, ये सब के लिए बोलेंगे। लोन जितने तरीके के होते हैं वो सब, तो ये ओवरऑल आपको प्रोडक्ट एक्टिवेशन जो दिखाना होता है, ठीक है। मंथली कितना हम करें कि सेफ जोन में आ जाए, लास्ट टाइम ही मैंने वीडियो में बताया था, इस बार भी थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रोडक्ट जो करना है सेफ जोन में आने के लिए, कम से कम 7 प्रोडक्ट्स में एक्टिवेशन एनी हाउ दिखा दीजिए, ठीक है। एनी हाउ 7 प्रोडक्ट में एक्टिवेशन दिखा दीजिए, जिसमें से कि एक NCA हो गया और आपका डीमैट हो गया, MF करा लीजिए और आपका इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस आपका कोई सा भी चलेगा, जैसे कि GI हो गया जनरल इंश्योरेंस, आपका HL हो गया, HI हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, LI हो गया लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा टफ होता है बट हो जाता है। और उसके बाद आपका लोन हो गया, लोन एक्टिवेशन, लोन का हर प्रोडक्ट का अपना अपना अकाउंट होता है, जैसे अगर एक पर्सनल लोन निकाल दिया, एक होम लोन निकाल दिया, तो आपके ओवरऑल 2 प्रोडक्ट काउंट होंगे, ठीक है। और एक आपका FD भी काउंट होता है, FD प्रोडक्ट करा दीजिए। अब देखिए ये सब मिला के आपका 6-7 प्रोडक्ट एक्टिवेशन हो जाता है। 7 पे अगर पहुंच गए आप एज अ RM, आपका जो जॉब होगा सेफ जोन में रहेंगे, लेकिन आपकी जब हड़ल होगी, मीटिंग होगी, तो सुनने को तो मिलेगा, वहाँ पे आप नहीं बच सकते, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप पे प्रेशर डाला जाएगा, आपको फील्ड पे भगाया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत सुनाया जाएगा, धमकी दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि रिज़ाइन कर दे वरना हम टर्मिनेट करा देंगे ये वो। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप एज अ एम्प्लॉय वो भी काम कर रहे हैं जो आपके बॉस हैं, और आप भी काम कर रहे हो, सो यू हैव राइट्स टू लीगल एक्शन, आपके पास राइट्स, आप लीगल एक्शन ले सकते हो। और बैंक कभी भी फायर करता है तो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताई थी वीडियोज़ में, जाके देखना, ठीक है। मेल वगैरह सब करता है, ठीक है, तब जाके PIP एक आता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान का एक चार्ट आता है, उसमें अगर आपका एक्टिवेशन सही जा रहा है, रेटिंग कितनी आ रही है आपकी, उस तरीके से तब बैंक डिसाइड करता है रखना है या नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे, RMG में डाल देंगे भाई, तो डरना नहीं है, कोई मतलब ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई हवा नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हर फील्ड में आजकल टारगेट प्रेशर है, हर फील्ड में, बट यहाँ पे एक चीज़ बेनिफिशियल है कि आप कोई सी भी डिग्री करके रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। BA किया है, BSc किया है, BBA किया है, BCom किया है, ठीक है। अब 2 तरीके से आपको पोस्ट मिल सकती है। आप एक तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, कहाँ कहाँ से हमें अप्लाई करें। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दूसरा करियर पोर्टल, इनके बैंक के अपने करियर पोर्टल होते हैं। तीसरा तीसरा आपका कोई नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट ब्रांच में चले जाइए, BM या फिर DVM या किसी अदर RM से पूछ लीजिए एक बार, वो आपको बता देंगे, या फिर रेफरेंस का अगर सीन होगा तो रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके से तो इजीली जॉब आप पा सकते हो। बाकी 4थे तरीके से हायरिंग है, जैसे अदर प्लेटफॉर्म हो गए, ऐसे आजकल तो अकेडमी की अकेडमी हो गई, अकेडमी से कोई आप कोर्स कर लीजिए, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर मणिपाल द्वारा हो गया, अगर बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हो तो, ठीक। 5वां कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट जो आपके यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वहाँ पे भी बैंक आते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, ये कैंपस प्लेसमेंट से भी आपको जॉब मिलता है, इस तरीके से बैंक हायरिंग करता है। तो एज अ RM करियर स्टार्ट करना कैसा रहेगा, ग्रोथ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। RM की ग्रोथ कितनी होती है, देखो एज अ RM करियर स्टार्ट करना सबसे पहले तो गुड, देखो अगर टारगेट रहेगा, प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर इस चीज को आप थोड़ा सा साइड कर दे, थोड़ा सा साइड कर दे, इस पे ध्यान ना दे, छोड़ो, ठीक है, इस पे आपको ध्यान, आप इस पे आंखें बंद कर लीजिए, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ पता क्या सोचिए कि ऐसा RM आपको अपॉर्चुनिटी मिली है बैंक में काम करने की, वो टारगेट प्रेशर रहेगा, गालियाँ मिले, कुछ भी गए से तो गालियाँ नहीं मिलती हैं, ऐसा नहीं है, इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। गुड, अब ग्रोथ कैसी है,
ग्रोथ चार्ट की हम बात करें ना, तो आप बैंक का एक्सपीरियंस लेते हो, बैंक चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सब आरबीआई के अंडर काम करती है ना, ठीक है। तो आप बैंक का जब एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आगे चल के एक्सपीरियंस लेटर भी तो आपको बैंक से ही मिलेगा। तो आप चल रिलेशनशिप मैनेजर पे आपने वर्क किया, एक्सपीरियंस किस चीज का है, बैंक का। तो इस तरीके से ग्रोथ आपकी, पता ग्रोथ चार्ट ऐसे चलता है, देखो ये होता है चार्ट का रेशियो, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रोथ चार्ट आपका इस तरीके से स्टार्ट होता है और बढ़ता चला जाता है, ये आपकी ग्रोथ ना 0 से 90% प्लस होती रहती है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप ना सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हो, अगर सबसे ज्यादा बैंक के काम को सीख रहे हो, बैंक वर्क सीख रहे हो, आपको इसीलिए आपकी ग्रोथ ज्यादा है। आगे चल के आपको हाइक मिलती है 20 से 30% जब आप 2 साल बाद स्विच करते हैं। पर ईयर आपका इंक्रीमेंट होता है 8 से 12% ओवरऑल सीटीसी में। तो आपको क्या चाहिए, ग्रोथ तो हो ही रहा है ना। 2 साल बाद आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो ओजीपी के थ्रू, ठीक है, अदर बैंक्स में भी, सब में यही रहता है। तो यही रहा आपका ग्रोथ चार्ट, यही रहा आज का हमारा रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर। अब जो भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट है आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ भी सॉल्व कर दूंगा टाइम मिलते ही। तो बट एज अ आरएम करियर स्टार्ट करना अच्छा है आप लोगों के लिए, नो डाउट काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट हाँ थोड़ा समझाना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीनियर ऑफिसर से स्टार्ट कीजिए, असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट कीजिए। रिलेशनशिप मैनेजर बेसिकली वर्क प्रोफाइल है, आप इस पर काम करेंगे, फील्ड का काम भी रहेगा आपको, एफ डीज टारगेट बेस्ड वर्क होंगे, सुनने को मिलेगा, बहुत भागना पड़ेगा। बट शुरुआत में अगर आप ये सारी चीज़ें झेल लेते हो, तो आगे आने वाले आपके 10 साल सुनहरे हो जाते हैं, क्योंकि आपको शुरू में ही एक्सपीरियंस हो जाता है। बट आपको किसी की बातें नहीं सुननी है, डीमोटिवेट नहीं होता है, मोटिवेशन बनाए रखिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। सैलरी 18,000 के आसपास स्टार्टिंग ठीक ही है। आजकल तो प्राइवेट जगह मैं देखता हूँ कि 8-8, 10-10 हज़ार लोगों को मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ठीक है, करिए स्टार्टिंग, करियर क्या बेस्ट है आरएम के। मैं तो ईआरएम में था और आरएम अच्छा है, ब्रांच में रहेंगे आप नो डाउट, और प्रेशर तो रहेगा नो डाउट, सुनने को मिलेगा नो डाउट, बट बेस्ट जॉब, बेस्ट जॉब। टारगेट प्रेशर इग्नोर करिए, सबको इग्नोर करेंगे ना, एज अ करियर स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बैंक का सब एक्सपीरियंस लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही लगे रहिए, जब लगेंगे तो सक्सेस मिलेगी, सीखेंगे, सीखने से आप अपना सीखा हुआ कहीं अप्लाई करेंगे ना वहाँ पे, तब आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, सैलरी अच्छी ले पाएंगे, अपना बिजनेस भी अच्छा कर पाएंगे, दिमाग लगा के। सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।